Hello students, today we will discuss long question answer of the chapter A Triumph of Surgery and the writer is James Herriot. चैप्टर का नाम और राइटर का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ये आपका 1 और 2 मार्क्स कैरी करते हैं जब ये एमसीक्यूज पूछा जाता है. ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी एंड द राइटर इज जेम्स हैरियट. और प्लस आपके जैसे एग्जाम चल रहे हैं तो वो बच्चे जिन्होंने बहुत कम पढ़ रखे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं जरूर करके जाए. पहले जो 3 चैप्टर्स हैं उनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी जो कि 5 मार्क्स का होता है, एमसीक्यूज भी और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जरूर से जरूर आ जाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये जरूर से जरूर करके जाना है. दोनों बुक्स का, आपके फर्स्ट का भी और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का भी. ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी ये जो चैप्टर है इसके हम थोड़ी सी समरी करते हैं. पहले इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं. एक तो मिस्टर हैरियट है जो कि वेट है. वेट का मतलब होता है जैसे पशुओं के डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वेटनरी जो सर्जन होते हैं उन्हें हम वेट भी कहते हैं. यानी कि जो पशुओं के डॉक्टर हैं जो कि कुत्तों को रीन को ट्रीट करते हैं उनके डॉक्टर को हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं. तो मिस्टर हैरियट इसमें क्या है, वेट है. ट्रिकी क्या है इसमें, डॉग है. ट्रिकी इस चैप्टर में कुत्ते का नाम है. मिसेज पेम्फ्रे कौन है, ये ट्रिकी की मालकिन है. बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. इस चैप्टर में एक ट्रिकी है जो कि बहुत ज्यादा ग्रीडी डॉग है, यानी कि ये बहुत ज्यादा लालची है. और ये मिसेज पेम्फ्रे क्या है, ये इसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ट्रिकी को. तो इसको क्या करती है, ओवर फीडिंग करती है इसकी, मतलब इसको हद से ज्यादा खाना खिलाती है जिसके कारण ये बीमार हो जाता है कुत्ता. और इस जो मिस्टर हैरियट है इन्हें पता है कि ट्रिकी की बीमारी क्या है तो ये इसको ट्रीट करते हैं, ये इसको ठीक करते हैं, यही इस चैप्टर में बता रखता है. तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. एक तो ट्रिकी के बारे में, एक मिसेज मैट्रिक के बारे में, या एक कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैरियट भी पूछा जा सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पेम्फ्रे ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ जेम्स हैरियट्स ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी. ट्रायंफ का मतलब होता है एक तरह से जीत या विजय. मतलब सर्जरी क्या होता है, शल्य चिकित्सा, हमारी जो डॉक्टरी होती है उसको हम सर्जरी कहते हैं. तो इसकी जीत, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मिसेस पेम्फ्रे हैज डीप लव एंड केयर फॉर ट्रिकी. मिसेस पेम्फ्रे कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करती है. ट्रिकी का कौन है इसमें, कुत्ता है. एक्सप्लेन, इसको वर्णन करो. मतलब क्वेश्चन ये आ जाए कि कैरेक्टर स्केच ऑफ पेम्फ्रे दो, या मिसेज पेम्फ्रे अपने कुत्ते को कैसे रखती हैं ये आ जाए, तो उन दोनों में आपको यही आंसर लिखना है. आंसर इज मिसेज पेम्फ्रे लव्ड हर लिटिल डॉग ट्रिकी वेरी मच. मिसेज पेम्फ्रे अपने कुत्ते ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं. सी हैज प्रोवाइडेड द डॉग विद एवरीथिंग ऑफ लग्जरी. ये इंपॉर्टेंट है. उन्होंने अपने कुत्ते को बहुत ज्यादा जो सुविधा का सामान, लग्जरी का मतलब सुविधा, बहुत ज्यादा सुविधा दे रखी है. यानी कि उसके पास हर एक चीज के लिए अलग अलग, खाने के लिए अलग अलग कटोरे हैं, जैसे आराम के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं. He had a whole wardrobe of coats. He का मतलब कौन, कुत्ते के पास अपनी पूरी अलमारी है जिसमें उसके कोट्स हैं. यानी कि सुबह के लिए अलग कोट है, शाम की सैर के लिए अलग कोट है, कोई फंक्शन है तो कुत्ते को अलग कोट पहनाया जाता है, तो उसके पास बहुत ज्यादा कोट है. He had a different bowl for every meal of the day. खाने का भी, मतलब जब सुबह का खाना होता है, शाम का खाना होता है, दोपहर का, तीनों टाइम के लिए अलग अलग बाउल है. He had a different bowl for every meal of the day. मतलब खाना भी उसे अलग अलग कटोरे में मिलता है. मिसेज पेम्फ्रे वुड गिव हिम टू इट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाएगा. मिसेज पेम्फ्रे जो है उसको क्या देती है खाने के लिए, एग्स देती है, क्रीम केक्स देती है कुत्ते को खाने के लिए, चॉकलेट्स देती है, माल्ट देती है, गुड लिवर ऑयल देती है, वाइन एंड इवन ब्रेंडी, ब्रेंडी भी वो अपने कुत्ते को देती है. यानी कि जैसे बच्चे को रखते हैं वैसे वो उस डॉगी को रखती है. When the dog fell ill, और जब ये कुत्ता बीमार पड़ जाता है, she became very much worried. ये अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. मिसेज पेम्फ्रे चिंतित क्यों थी, क्योंकि उसका कुत्ता बीमार हो गया था. Became very much worried, वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है. She at once rang up Mr. Harriet, who was a vet. वो तभी तुरंत मिस्टर हैरियट को कॉल करती हैं, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं. मिस्टर हैरियट टोल्ड मिसेज पेम्फ्रे दैट ट्रिकी वुड हैव टू बी टेकन टू द सर्जरी. अब जो ये मिस्टर हैरियट है इन्हें इसकी बीमारी का पता है, इसीलिए वो मिसेज पेम्फ्रे को कहते हैं दैट कि ट्रिकी वुड हैव टू बी टेकन टू द सर्जरी. ट्रिकी को जो है अस्पताल लेके जाना पड़ेगा. मिसेज पेम्फ्रे स्टार्टेड वेलिंग.
श्रीमती पेम्फ्रे जो है रोना शुरू कर देती। वेलिंग का मतलब क्या होता है? रोना, विलाप करना। एट द सर्जरी ऑल्सो शी स्टार्टेड सेंडिंग, और जब वो कुत्ता सर्जरी चला जाता है तो सर्जरी में भी, मतलब हॉस्पिटल में भी, पेम्फ्रे जो है भेजना शुरू कर देती है क्या? एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर हर डॉग। इन्हीं से वो बीमार था, इन्हीं को जो है वो दोबारा से सर्जरी में भेजना शुरू कर देती है। Thus we can say that, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिसेज पेम्फ्रे वॉज ए वेरी लविंग एंड केयरिंग मिस्ट्रेस फॉर ट्रिक। मिसेज पेम्फ्रे जो थी बहुत ज्यादा प्यार करने वाली और बहुत ज्यादा परवाह करने वाली मालकिन थी ट्रिकी के लिए। ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें 2 2 मार्क्स के दो अलग से क्वेश्चन भी निकल आते हैं इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको पूरा करें। सेकेंड क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है इस चैप्टर में वो है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी। 2 मार्क्स का भी आ सकता है, ट्रिकी के साथ क्या प्रॉब्लम थी, हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्योर इट, और मिस्टर हैरियट ने इसको कैसे ठीक किया। ट्रिकी वॉज ए लिटिल डॉग, ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है इस चैप्टर में। हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो अमीर मालकिन है, यूज टू ओवर फीड हिम, उसे बहुत ज्यादा खाना खिलाते, मतलब जितने खाने की जरूरत है उससे ज्यादा खिलाती है प्यार से। ही ग्रू वेरी फैट, वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। ही कुड हार्डली वॉक, इतना मोटा हो जाता है कि चल भी मुश्किल से पाता है। वन डे ही स्टॉप ईटिंग, और एक दिन उसने खाना शुरू कर देता है। जब भी हम बहुत ज्यादा खा लेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम जो है लेथार्जी से, मतलब अजीब सी फीलिंग आ जाएगी और हमारा चलने फिरने का मन नहीं करेगा। जब भी हम चलेंगे तो सांस चढ़ जाएंगे। ही वॉमिटिंग अगेन एंड अगेन, वह उल्टी करने लग जाता है। ही स्टार्टेड वॉमिटिंग अगेन एंड अगेन, बार बार उल्टी करता है। मिस्टर हैरियट न्यू ट्रिकीज प्रॉब्लम, अब मिस्टर हैरियट जो है उसे ट्रिकी की प्रॉब्लम का पता है। वो पहले भी मिसेस पेम्फ्रे को कह चुके हैं कि भी इसको ज्यादा खाना मत दिया करो, लेकिन वो मानती नहीं है। इट वॉज ओवर ईटिंग, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या थी। ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या थी? ओवर ईटिंग। सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना ये लाइन, इट वॉज ओवर ईटिंग, आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो ही हैड एन आइडिया, इसलिए ही कौन, मिस्टर हैरियट, उनके पास एक विचार था। ही टोल्ड मिसेस पेम्फ्रे दैट ट्रिकी वुड हैव टू बी टेकन टू द सर्जरी फॉर ए फोर्टनाइट। उन्होंने श्रीमती पेम्फ्रे को कहा कि भी ट्रिकी को ले जाना पड़ेगा कहाँ पर, सर्जरी यानी कि अस्पताल में, फॉर ए फोर्टनाइट, 10 15 दिनों के लिए। मिसेस पेम्फ्रे वॉज इन टीयर्स, श्रीमती पेम्फ्रे रोना शुरू कर देती हैं, बट शी हैड टू एग्री टू इट, लेकिन उन्हें मानना पड़ा क्योंकि कुत्ता बीमार है और उसको बीमार देख नहीं सकते, इसीलिए उन्हें मानना पड़ा। मिस्टर हैरियट टुक अवे द डॉग विद हिम, श्रीमान हैरियट जो है कुत्ते को अपने साथ ले जाते हैं। ही गेव द डॉग नो मेडिसिन, वो उसको कोई भी दवाई नहीं देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने उसको कैसे ठीक किया। ही गेव द डॉग नो मेडिसिन, कोई दवाई नहीं दी जाती है। ही गेव हिम फूड ओनली व्हेन ही वॉज हंग्री, खाना भी कुत्ते को जब मिलता है जब उसे भूख लगती है, यानी कि 2 दिन तो उसे खाना भी नहीं दिया जाता। द डॉग गोट इनफ एक्सरसाइज ऑल्सो, कुत्ता वहां पर एक्सरसाइज भी खूब करता है। ही रेन अबाउट एंड प्लेड विद द अदर डॉग्स, वहां पर जो दूसरे कुत्ते हैं उनके साथ वो खेलता है, दौड़ता है, भागता है और उसकी एक्सरसाइज होती है। दस द डॉग हिमसेल्फ गोट वेल, इस प्रकार कुत्ता अपने आप ही ठीक हो जाता है, मतलब डॉक्टर को दवाई नहीं देनी पड़ती। उसकी बीमारी ही क्या थी? ओवर ईटिंग। और जब उसको ओवर ईटिंग से, मतलब उसको दूर कर दिया गया, उसकी एक्सरसाइज करवाई गई, खाना प्रॉपर दिया गया, तो वो अपने आप ठीक हो गया। मिस्टर हैरियट हैड टू डू नथिंग फॉर इट, मिस्टर हैरियट को इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये आपके 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।